गोटे ग्यास टैंकर एक ट्रक को ओवरटेक करुवा समय रे विपरीत दिगर आसुवा एक यात्रीवाही बस सहित मुहांमुही धक्का होता फल चारिजकर मृत्यु होगा कोड़े अधिक गुरुतर हो डाक्तखाना चिकित्साधीन अच्छा एपरी एक मर्मंतुत सड़क दुर्घटना घटी गंजाम जिला हिंजिली थाना अंतर्गत संबरझोल तथा कंजुरु छक निकटे मिली सूचना अनुजाई खम्बेश्वरी नामक एक यात्रीवाही बस 40 रु ऊर्ध यात्री धरी ब्रह्मपुर अभिमुखे आसुला तेब से ही समय ग्यास टैंकर टी ब्रह्मपुर पटु आसिका आड़क जाता बेले कंजुरु छक निकटने ग्यास टैंकर टी एक ट्रक को ओवरटेक करने को चेष्टा करुवा समय गाड़ी भारसम्य हर विपरीत दिगर आसुवा बस सहित मुहांमुही धक्का होता यहपर दुईट गाड़ी रास्ता पार्श्वे एक चा दुकान माड़ घटनास्थल चा पीऊ्वा तीन जनक समेत जड़े बस जात्री मृत्यु होता आउ बस प्राय 20 रु ऊर्ध यात्री गुरुतर होते खबर पाई तुरंत पुलिस और अग्निशम बाहन कर्मचारी मैंने घटनास्थल पहुंची गुरुतर मानक उद्धार कर ब्रह्मपुर स्थित MKCG मेडिकल को पठाई सेपटे मृतक मानक समरझोल पंचुगौड़ अरक्षित गौड़ आउ जणे स्थानीय परिबा व्यवसायी होता बेले अन्य जणे व्यक्ति परिचय मिलना तबे एपरी मर्मंतुत दुर्घटन मुख्यमंत्री मोहन माझी गभीर शोक प्रकाश करने सहित मृतकों पर 2 लक्ष और गुरुतर आहत को 1 लक्ष लेखाएं क्षतिपूरण देवा निर्देश देखते आहत चिकित्सा संपूर्ण मागणा करने को मुख्यमंत्री निर्देश दे जमापड़ी एही दुर्घटना एते भयंकर थिला जे ग्यास टैंकर धक्का रे बस टी उलटी पड़ा पर क्रेन साहय बस टी उठा जाइथिबा जना पड़ी जहाँ कुने घटनास्थल रे शोकाकूल परिवेश सृष्टि होइथिला तुरंत हिंजलिका टू फायर स्टेशन रेस्पोंड करिथिले रेस्पोंड करबा मात्रे से इमीडिएट छतरपुर को बरमपुर को जो टीम को अलर्ट करिथिला स्ट्राइकिंग फोर्स को भी अलर्ट करिथिला तत्णात आम हिंजिलिका टू आसिकी तार रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करवा भितर पावर पैक कमी टूल्स जहाँ नेसेसरी लाइफ टूल्स रोचे से गुटा आसिक तुरंत लगिकी आम तीन जन लोक जो चपी जीवन थोड़ा उद्धार करजन को उद्धार करो मान अवस्था सिचुएशन खराब थी आम तुरंत सिफ्ट करपर बर्तन बस को सैड कर तले आई आम इनश्योर कलु बर्तमान आउ कहीं ये कैजुआलिटी ना आम सब सिफ्ट 70 जन अराउंड थे तो इमीडिएटली एक्सीडेंट समय स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस फायर मिसिकी सिफ्ट करते ट्रैप जाइए फायर कंपनी मध्यम फायर सर्विस उद्धार करें जन को जीवित उद्धार करें अवस्था सिचुएशन खराब है उद्धार कर गंजाम जिल्लारु अजित कुमार पटनायकंक रिपोर्ट कोणार्क लाइव।